In audio. तो अभी वक्त रात के 10:34। तो अभी स्काई को नींद आती नहीं क्योंकि पूरी रात दिन ये सोती है और रात को परेशान करती है। अभी 10:30 ही और इसने अपने जलवा दिखाना शुरू कर दिया। यह ठंडर ठंडर मस्त है, ये सोया रहता है, ये मेरी तरह एकदम, इसको हिलाओगे नहीं तो हिलेगा नहीं। बट बीच बीच में उठता है, तो वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा क्योंकि पूरी रात जागना पड़ता है सब, आधा आधा घंटा करके नींद पड़ती है। और ये है, अब ये मस्ती कर रही है, थोड़ी देर में ये भी सो जाएगी। देखो सोए पड़े मस्त, देखिए देखिए सोए। तो अभी स्काई की पूरी मस्ती चल रही है, ये देखो। ओए स्काई और डमरू साहेब पूरा इतना फ्लेक्सिबल है तो शाबाश। गंदा बच्चा, सो जा सो जा स्काई, मतलब ठंडर भी तो सोया है। गिर जा ठंडर पे गिर जा। नहीं इसको नहीं उठाना, इसको सोन दे, ऐसे तंग कर रही है इसको। पता नहीं कहाँ पहुंच गई हो, ये भी मस्त सोया पड़ा। भाई चूहे इधर आ, इधर इधर आ। अब स्काई का खेलना चालू, उसको खिलौना मिल चुका है, ये चालू है पावर लगाने में। जो इसमें पावर है जितनी भी है, देखो 328 का बाइट फोर्स होता है इनका, रोटवीलर का। अभी थोड़ी देर खेलेगी फिर ये सो जाएगी। ये मस्त सोया पड़ा है, कोई चिंता ही नहीं है। अगर आप टाइम देखोगे अभी 12 बज गए हैं। हाँ दोनों ये सबसे छोटी अभी अभी 34 डेज की है, 37 का। ये सुसु आई है, ये भी सुसु वो डेवलप पड़ी करने। वो पोछा भी मैंने साथ में रखा है,
यहाँ पे दिन के बैठने के बंदे में तो जान दिल करे तो बैठ जाएंगे। हो गया तेरा? ओए हो गया, ये बहुत शैतान है चूहिया सी। ये इतना खाती है उसको भूख फिर भी लग जाती है। ओए भालू, इसके कान अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। जब ये बड़ा होएगा तो इसके बड़े बड़े कान निकलेंगे। ये अभी तो मेरे को वैसे ही जिसकी डाइट पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पाव भी देखो कितने बड़े बड़े हैं। 3 उंगलियां जितना तो आ ही रहा है इसका एक पंजा। इतना बड़ा तो सर ही है इसके, देखो मेरा पूरा हाथ समा जा रहा है इसके सर में। ये मेरी तरह मस्त होता है, मस्त। ओए स्काई, ओए ये फुटबॉल सी, ए फुटबॉल, ए फुटबॉल। ये छोटी सी है अभी, इसका मेरे को 2.5 किलो वेट होगा सिर्फ। हाय, हेलो हेलो चुईया से। ओए गोलू मटोलू, हाय, सुबह तक ऐसे निकलेगा मेरा। अब वक्त हो चुका है सुबह के साथ, अब है वक्त मॉर्निंग का। अब इनको मस्ती करवाते हैं, खिलाते हैं बाहर। ये स्काई है, ये बहुत ही गुस्से वाली फीमेल है। ये ठंडर है हमारा शरीफ से, ये यूं ही चढ़ जाती है। ये देखो ये देखो, इतना गुस्सा। ए ए ए ए ए काट रही है तो इसको छोड़। गंदी बात, गंदी बात, बेडो गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात। यह ठंडर, यह ठंडर, यह ठंडर, एकदम बिजली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड स्काई। अरे गंदी बात, बहुत गंदी बात। तो अब वक्त है वीडियो को ख़त्म करने का। तो मैं सच बताऊं, डॉग्स रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपका फर्स्ट टाइम भी है तो भी आप उनकी केयर बहुत आराम से कर सकते हो। बस हमें 1-2 महीने के लिए अपनी नींद को त्यागना पड़ेगा। जैसे आप मेरी देख सकते हो अभी, आंखें कैसे स्वेल करी, क्योंकि मैं सच बोलूँ तो जब से आया मैं सोया नहीं हूँ। और बहुत नई नई चीज़ें सीखने मिलती है। सबसे पहले तो आप डिसिप्लिन हो जाते हो, क्योंकि जो आप सुबह 8 बजे उठते थे वो आप 5:30 या 6 बजे उठ जाया करोगे। आप 3 से 4 बार अपने रूम को साफ किया करोगे, यानी उसको मॉप किया करोगे। और बीच बीच में जब इनको भूख लगती है, तो वैसे तो मैंने इनकी डाइट फिक्स रखी है, मैं 4 टाइम से ज़्यादा डालता नहीं, फिर भी मैं दूध रखता हूँ अपने पास और कैटल होती है। अगर बहुत ही ज़्यादा इन्हें भूख लगे या बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, पर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर फिर भी मैं दूध रखता हूँ, वो भी सिर्फ एज ए इनके टेस्ट के लिए। एज ए रख लो कि 4-4 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये ओवर हो जाएगा। डॉग को कम खिलाओ पर ज़्यादा मत खिलाओ। और मज़ा आया, आपने वीडियो तो देखी, उठा मैं, सोया मैं, कुछ बीच का इसलिए कट गया क्योंकि एक टाइम के बाद ना लाइट कम हो जाती है, फिर अगर लाइट अच्छी नहीं है तो वीडियो अच्छी नहीं आती। तो मैंने कहा छोड़ो, फिर क्यों बनाना। बट मैंने आपको बता दिया, अगर आपका फर्स्ट टाइम भी है तो आप आराम से डॉग रख सकते हो। कोई भी पपी है, चाहे वो लार्ज ब्रीड है, चाहे वो स्मॉल ब्रीड है, चाहे वो मीडियम ब्रीड है, चाहे वो अग्रेसिव है, चाहे वो एज आपको शो के लिए रखना है, कोई भी पेट आप रख सकते हो। अगर वो छोटा बेबी है 1 महीने का, तब उसको आपको 1 महीना उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसकी सुसु पॉटी आपको उठानी पड़ेगी, साफ करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है, आपके पास अगर मार्बल यानी टाइल्स डली हैं तो मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि प्लास्टिक शीट्स रख लो, सुबह उठा लेंगे। क्योंकि उससे पता क्या होगा, जैसे टॉयलेट करेंगे, अगर
पॉटी करेंगे तो वो जो उसी पे रहेगी और उस पे रहेगी तो स्मेल बनती रहेगी, और सुबह तक आपका कमरा ऐसा हो जाएगा कि जब आप खुद ही सांस नहीं ले पाओगे। तो इससे अच्छा है कि साथ साथ में उठा दो, वो बेटर रहता है, और साथ साथ में पोछे रखो दो, एक पहले मारने के लिए और दूसरा उसके ऊपर स्मेल वाला है जिसमें डिटॉल डाल लो आप, कुछ और डाल लो फ्रेगरेंस के लिए, तो अच्छा रहता, महकता रहता कमरा। सुबह तक भी कोई स्मेल नहीं आती, कोई भी दूसरा बंदा है उसका तबीयत खराब नहीं होगी। तो बस यहीं प्यार बनाते रहो, बाय बाय, जाए, टेक केयर, लव यू, और हम चले थंडर एंड स्काई से खेलने।